हेलो एवरीवन, प्रेम भैया आज की वीडियो में तुम्हारे लिए वो चीज लेकर आया हूँ जिससे तुम्हारे पूरे का पूरे बोर्ड एग्जाम का 100% पेपर डायरेक्ट आने वाला है। मतलब जिस बच्चे ने इसको लगा लिया समझ लो उसका बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना पक्का है। अभी तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम खत्म हो गए होंगे या खत्म होने वाले होंगे, पर मैं तुम्हें एक चीज याद दिला दूं यार कि तुम्हारा और तुम्हारे पेरेंट्स का सपना ये नहीं था कि तुम हाफ ईयरली एग्जाम में नंबर आ लोगे। तुम्हारा और तुम्हारे पेरेंट्स का सपना ये था कि हमारा बेटा हमारी बेटी बोर्ड एग्जाम में 98% लाएगी, 95% लाएगी। वो बोर्ड एग्जाम ही है जो तुम्हारा और तुम्हारे पेरेंट्स का सपना सच करेगा। हाफ ईयरली एग्जाम में यार मैंने भी अपनी जी जान लगा दी, सब कुछ लगा दिया अपना कि तुम एकदम टॉपर बन सको। लाखों बच्चों को यार एवरेज से टॉपर बना दिया। ये दो गेम चेंजिंग सीरीज जिसमें मैंने अपनी पूरी जी जान लगा दी हाफ ईयरली एग्जाम, पूरी जी जान लगा दी। तुम जानते हो यार ये श्योर क्वेश्चन वाली सीरीज जिससे बहुत सारे बच्चों का पेपर डायरेक्ट आया, श्योर 20 क्वेश्चन वाली सीरीज, और ये हमारी पेपर लीक सीरीज जिनको लाखों बच्चों ने प्यार दिया। मैं तो लिटरली बता रहा हूं, लेकिन मुझे लाखों का तो नहीं, लेकिन 10,000 से ज्यादा बच्चों का कमेंट आया कि भैया हमारा डायरेक्ट पेपर, पूरा का पूरा पेपर डायरेक्ट आया। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे लगा यार मेरा पूरी मेहनत वसूल हो गई। हाफ ईयरली एग्जाम में यार हमने लाखों बच्चों का एवरेज से बिल्कुल टॉपर बना दिया। बिल्कुल बहुत सारे कमेंट्स आए यार, ये तो चंद कमेंट्स है, 10,000 से ज्यादा कमेंट चैनल पर आ चुके हैं कि हमने लाखों बच्चों का यार एवरेज से बिल्कुल टॉपर बना दिया। मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं यहां तो रुकने वाला नहीं यार। मेरा मेन मोटिव है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का, तुम्हारे पेरेंट्स का सपना पूरा करना। तुम्हारा भी मोटिव ये होना चाहिए और तुम्हारा सपना भी पूरा करना तुम्हारा मोटिव होना चाहिए। और मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं बोर्ड एग्जाम तक तुम्हें एकदम हाथ पकड़वा के 95% दिलवा दूंगा। पर यार देखो, बोर्ड एग्जाम में 95% लाना उतना आसान नहीं होगा जितना हाफ ईयरली एग्जाम में था। हाफ ईयरली एग्जाम में भी जैसे मैं तुम्हारे साथ था, वैसे ही मैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इस बात की तुम्हारे भैया गारंटी, एकदम मैं 98% एकदम हाथ पकड़ के 98% तो छोड़वाऊंगा। पर बोर्ड एग्जाम में 95% लाना उतना आसान नहीं, क्योंकि यार बहुत सारी बिग प्रॉब्लम्स, बहुत सारी मुसीबतें हैं जो तुम्हें बोर्ड एग्जाम में 95% लाने से रोकेंगे। क्योंकि 98% 95% बहुत बड़ी डील है, क्योंकि अगर इतना ईजी रहता यार सारे बच्चे ले आते हैं, सारे बच्चे 95% ला रहे होते, सारे बच्चे 98% ला रहे होते हैं, क्यों सबके कोई फेल हो जाता है, क्यों किसी के नंबर कम आ जाते हैं? क्यों? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स आएगी जिसको अगर तुम टैकल कर लो कि भाई 95% आ जाएंगे, नहीं टैकल कर पाओगे कभी नहीं आएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये तुम्हारे 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ये जो 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। अभी सीबीएसई ने एक लेटेस्ट सैंपल पेपर दिया, उसमें उन्होंने हर चैप्टर सैंपल पेपर बताया कि 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले, जो बच्चा इनको करेगा वो बिल्कुल टॉप करेगा। दूसरा तुम्हारा रियल लाइफ वाले क्वेश्चन, 25% क्वेश्चन तुम्हारे रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे इंडिया गेट है, अब इंडिया गेट में साइन थीटा कॉस थीटा लगा के बोला गया है उसकी हाइट निकाल दो, तो इंडिया गेट में हाइट निकालने के लिए तुम्हें साइन थीटा कॉस थीटा लगा के उसकी हाइट निकालनी है। तो ये रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, रियल लाइफ में जो एक्टिविटीज हो रही थी। तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा क्या रहता है, केस बेस्ड क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन भी तुम्हारे आते हैं, मैथ में आते हैं, साइंस में आते हैं, सारे सब्जेक्ट में आते हैं। इन सारे चीजों को तुम्हें टैकल करना। चौथी चीज तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत की, भैया एमसीक्यू हमसे नहीं हो पाते, असरसन रीजनिंग वाले क्वेश्चन अच्छे अच्छे टॉपर बच्चों से नहीं हो पाते। उसमें 2 से 3 असरसन रीजनिंग वाले क्वेश्चन रहते हैं तुम्हारे 20 एमसीक्यू में। पहली चीज ये, इसमें तुम्हारे सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। उसके बाद तुम्हारा क्या टाइम, तुम्हारा टेबल बेस्ड क्वेश्चन, पिक्चर बेस्ड, इतनी सारी चीजें जो हमें टैकल करनी होगी। और इतनी चीजों को टैकल करने के बाद ना भाई 95% लाने से तुम्हें को रोक नहीं सकता। वो प्रोडक्ट हमने ला दिया कि ये सारी चीजों का टेंशन अब हमने खत्म कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। क्योंकि देखो यार आजकल 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तो हर कोई दे रहा है। ये जो 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ये आजकल हर कोई दे रहा है। मैंने तुम्हें खुद एक वन शॉट बुक सजेस्ट करी जिसमें तुम्हारे 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। पर जब तुम्हारा सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर आया तब हमने एडुकार्ड के साथ मिलकर पूरे सैंपल पेपर को एनालाइज किया, सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर को एनालाइज किया। ये तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे भैया खुद एडुकार्ड के ऑथर है, एडुकार्ड के ऑथर रह चुके। ये तुम्हारी एनसीईआरटी एग्जामिनर की बुक है इसी साल की जिसके तुम्हारे भैया ऑथर थे। तो मैंने क्या किया, तुम्हारे एडुकार्ड के साथ बैठकर पूरे सीबीएसई के सारे सैंपल पेपर को एनालाइज किया। उसके बाद हमें पता चला कि उसमें 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तो आ ही रहे, 100% गारंटी है। पर मार्केट में एक चीज की बहुत ज्यादा कमी, क्योंकि रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन 25% रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन जो कि रियल लाइफ पर बेस्ड। जैसे तुम्हारा क्या इंडिया गेट, अब इंडिया गेट की हाइट निकालनी साइन थीटा कॉस थीटा लगा के, तो इंडिया गेट की हाइट निकालनी, पॉलिनोमियल का इक्वेशन निकालना नाउ बना हुआ है तो पॉलिनोमियल का इक्वेशन, उस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर नहीं आते जो रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आते हैं, वो चीजें मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा उसके बाद तुम्हारे क्या है कि केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत हार्ड लेवल के आते हैं, ट्रिकी लेवल का है, इसका सही से सलूशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन में ना बच्चे लिख लेते हैं, 2 नंबर का लिख के आते हैं, बच्चों को लगता है यार हमने तो 5 नंबर का लिख दिया और वहां उसके नंबर कट जाते हैं, मार्क्स ब्रेकडाउन में गलती हो जाती है, उसका भी सलूशन हमने निकाल दिया। केस बेस्ड क्वेश्चन में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। उसके बाद तुम्हारा क्या एमसीक्यू असरसन रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो टॉपर बच्चों से नहीं बनते। उसके अलावा तुम्हारा क्या टेबल बेस्ड क्वेश्चन, पिक्चर बेस्ड, इन सारी चीजों को टैकल करने के लिए मैंने तुम्हारे भैया ने खुद एडुकार्ड के साथ कोलैब करके निकाल दिया, भाई ये जो सैंपल पेपर भाई, ये सैंपल पेपर ना ये ऐसी सैंपल पेपर है जो पूरे मार्केट में ऐसी सैंपल पेपर अवेलेबल है। क्योंकि यार देखो ये 6 बिग एडवांटेजेस के साथ आती है। ऐसी सैंपल पेपर नहीं, सारे सैंपल पेपर तुम्हें क्या है, ये तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ये जो सैंपल पेपर इसमें इतना सारा कुछ है ना, इसको लगाने के बाद ना भाई बिल्कुल तुम टॉपर बन जाओगे। ये हमें तुम्हें ऐसी अफोर्डेबल प्राइस में देने वाला हूं ना भाई, ऐसी अफोर्डेबल प्राइस में देने वाला हूं जिससे ना भाई कोई नहीं दे सकता, इतनी अफोर्डेबल प्राइस में देना, इतना अफोर्डेबल हमने बना दिया। पहले मैं तुम्हें दिखा दूं, इससे तुम्हारे 6 एडवांटेजेस, बिग एडवांटेजेस तुम्हें मिलेंगे। पहला, इसमें 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तो है ही, इसके अलावा तुम्हारे 25% रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन भी है इस सैंपल पेपर में, 25% रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है। उसके अलावा तुम्हारे क्या है, ये स्ट्रिक्टली बेस्ड है, स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑफिशियल सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने लॉन्च किया था तुम्हारा, जो तुम्हारा 5 सितंबर को 2024 को लॉन्च, इस डेट को जो लॉन्च किया था इसमें तुम्हारे, और उसके अलावा नोट
न्यू लाइफ न्यू रियल लाइफ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली एडेड एज पर देखो इस सैंपल पेपर में एडेड था न्यू लाइफ रियल लाइफ वाले क्वेश्चन जो सैंपल पेपर एडेड वो क्वेश्चन हमने इसमें डाल रखे हैं वो रियल लाइफ वाले क्वेश्चन हमने डाल क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे सैंपल पेपर से हर सैंपल पेपर से 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आता है पैटर्न तो सेम रहता है डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं उसके अलावा प्री बोर्ड का जो तुम्हारा प्री बोर्ड उसका पूरा का पूरा पेपर सीबीएसई के सैंपल पेपर से आता है डायरेक्ट आता है तो वो सैंपल पेपर को तुम्हें करना बहुत ज्यादा जरूरी है अभी तक मुझे कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला जिसने सैंपल पेपर ना लगाया तुम अगर बोले कि भैया आप तो बोल रहे थे कि हम वन शॉट ये वाली बुक लगाएंगे हमारा काम हो जाएगा भाई तुम्हारा वन शॉट बुक हो जाएगा 51 कॉम्पिटेंसी पेज को जाना काम हो जाएगा लेकिन अगर तुम अभी अपने किसी भी सीनियर से पूछ लो कि क्या आपने सैंपल पेपर लगा सैंपल पेपर एक ऐसी चीज है ना भाई जिसको बिना लगाए ना कोई 90% टच नहीं कर सकता 90% टच ही नहीं कर सकता 98 तो छोड़ ही दो भाई 90% भी टच नहीं कर सकता सैंपल पेपर लगाना जरूरी क्योंकि बोर्ड का जैसा पैटर्न रहता है उस हिसाब के सैंपल पेपर बनते हैं तो सैंपल पेपर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट ठीक है अब इस सैंपल पेपर में हमने क्या क्या दे रखा पहले तुम देख लो 98% इसको जिस बच्चे ने लगा लिया ना भाई जिस बच्चे ने इसको लगा लिया ना भाई उसका बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना पक्का है 98% भाई तुम श्योर करवा लो वो ऐसी वैसी चीजें डाल लगी ये 6 बिग एडवांटेज हम दे रहे ना भाई वो कोई अभी मार्केट में नहीं दे रहा मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ क्या क्या चीजें सबसे पहले क्या है तुम्हारा रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन ये वही रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन जो अभी तुम्हारा सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर आया ना उसमें 25% पेपर रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन से भरा हुआ है और ये अभी तुम मेरी बात मानो यार किसी भी सैंपल पेपर में अवेलेबल नहीं है और ये रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन ना तुम्हारे बोर्ड एग्जाम क्योंकि सैंपल पेपर में तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी 25% पेपर रियल लाइफ बेस्ड ही आएगा इसलिए हमने इस सैंपल पेपर में 25% रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन भी डाल रखे हैं रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन वो जो रियल लाइफ पे बेस्ड रहता है रियल लाइफ पे बेस्ड मतलब जैसे देखो ये नाव चला रहा है अब नाव चला रहा है यहाँ पर एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन दे रखे आप बोलेगा इसका सोल्यूशन निकाल दो इसके जीरोस निकाल दो अब ये देखो नाव चला रहा है इसकी पॉलिनोमियल की इक्वेशन के जीरोस निकालने इसको रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं जो किसी भी सैंपल पेपर में अभी अवेलेबल नहीं है हमने हर पेपर में हर सैंपल पेपर के इस हर पेपर में 25% पेपर में डाल रखा एकदम जो 5 सितंबर को है उस टाइप का बना रखा हमने तो इसको लगाने के बाद ना भाई टॉपर बनने से तुम्हें को रोक नहीं पाएगा ठीक ना तो ये इसका पहला एडवांटेज हो गया इस सैंपल पेपर्स का सारे सब्जेक्ट में ठीक है उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं आगे तुम्हारा तुम्हें पता होगा 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अब ये भी 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तो आ ही रहे पेपर में वो तो हर कोई जान रहा है ये 50% कॉम्पिटेंसी अब देखो जैसे कि ये तुम्हारा इंडिया गेट अब इसकी हाइट निकालनी है साइन थीटा कॉस थीटा लगा के अब ये तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री क्या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बन जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस को बोलते हैं उसका क्वेश्चन है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी हमने सैंपल पेपर में 51 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डाल रखे भाई इसको लगाने के बाद ना भाई तुम्हारा टॉपर बनना पक्का क्योंकि 51 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हमने सारे सैंपल पेपर में डाल रखे और वो क्वेश्चन डाल रखे जो पेपर में डायरेक्ट आने वाले डायरेक्ट तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आने इस बात की गारंटी है अब इसमें तुम्हारा क्या है ये सीबीएसई बोर्ड में तो आएंगे भाई जिनका स्टेट बोर्ड वाले जो बच्चे जिनका एनसीईआरटी चलता है भाई वो भी इस सैंपल पेपर को फॉलो कर सकते हैं सैंपल पेपर को ले सकते हैं भाई उनका ही पेपर डायरेक्ट आएगा सीबीएसई के लिए तो है ही क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न की ये इसका सेकंड एडवांटेज हो गया भाई ठीक है सेकंड एडवांटेज हो गया इसका तीसरा एडवांटेज इसका क्या सबसे मोस्ट भाई सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें हमने 3 फेजेस टोटल बना करके 3 फेजेस का मतलब क्या सबसे पहले तुम ध्यान से एक बात सुन लो मैंने एक बात बता दी तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम होगा बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा हर सब्जेक्ट में तुम्हारा 10 नंबर का पेपर सीबीएसई के लेटेस्ट सैंपल पेपर से मैच होगा डायरेक्ट अभी जो तुम्हारा सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल है उससे 10 नंबर का पेपर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट में मैच होगा ठीक है और दूसरा जो तुम्हारा प्री बोर्ड होगा बोर्ड एग्जाम से पहले उस पेपर में प्री बोर्ड के पेपर में कभी कभी पूरा का पूरा पेपर ही सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर आ जाता है इस सैंपल पेपर हमने क्या कर रखा है सीबीएसई का जो लेटेस्ट सैंपल है जो 5 सितंबर को आया था 2024 इसको हमने डाल रखा विद सॉल्यूशन डाल रखा और ध्यान देने वाली चीज ये है इसमें हमने इतना डाल रखा है इसमें तीन फेजेस है पहला फेज में क्या डाल रखा वो देखो पहले फेज में हमने डाल रखा है सीबीएसई का सैंपल पेपर सीबीएसई के सैंपल पेपर के टाइप के वो तो तुम सॉल्व कर लोगे डायरेक्ट आ जाएगा तुम्हारे प्री बोर्ड में लेकिन बोर्ड में उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसी टाइप के क्वेश्चन हमने सैंपल पेपर 2 सैंपल पेपर 3, 4 और 5 इसमें डाल रखा है उसका सोल्यूशन भी डिटेल में मार्क्स ब्रेकडाउन के साथ हमने दे रखा है मार्क्स ब्रेकडाउन चार्ट के साथ दे रखा मैं तुम्हें आगे दिखाऊंगा वो बहुत ही बेहतरीन है ठीक है और उसके बाद फेज 2 में हमने क्या दे रखा पेपर नंबर 6 और 7 सीबीएसई के जैसा एकदम पेपर नंबर 6 और 7 हमने दे रखा पर इसके तुम्हें सिर्फ डिटेल सोल्यूशन है इसके हमने सिर्फ आंसर देखे सेल्फ असेसमेंट के लिए इसके आंसर हमने दे रखे इन पांचों के डिटेल सोल्यूशन हमने दे रखे एकदम डिटेल में सोल्यूशन दे रखे मार्क्स ब्रेकडाउन दे रखा ये सेल्फ असेसमेंट के लिए 2 पेपर ठीक है और तीसरा फेज जो सबसे धमाकेदार है सैंपल को तुम देखोगे ना भाई तो बोलोगे अब हम लोग आते हैं सैंपल पेपर के थर्ड फेज पर जो सबसे धमाकेदार फेज है थर्ड फेज इसका क्या है तुम्हारा मोस्ट लाइकली सेट्स एंड बुकलेट्स ऑफ 2024 एंड 25 जो बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे आने वाले हैं ये जो सैंपल पेपर है ये बुकलेट वाला सैंपल पेपर नॉर्मल सैंपल पेपर नहीं ये वाला जो तुम्हारा सैंपल पेपर अब तुम देख के बोलोगे भैया आप तो बुकलेट वाला सैंपल पेपर बहुत महंगा आप दोगे भाई इस बात की गारंटी है तुम्हारे मैं तुम्हारा भैया हूं तुम्हें आइसक्रीम खाने वाली प्राइस में दूंगा इस बात की गारंटी है नहीं दिया तब बोलना आइसक्रीम खाने वाली प्राइस में दूंगा हर एक बच्चा अफोर्ड करेगा इसको तुम देखो अब ये बुकलेट वाला सैंपल पेपर इस बुकलेट वाला सैंपल पेपर में तुम क्या 7 सैंपल पेपर उधर थे और सैंपल पेपर नंबर
8, 9 और 10 ये सेट के फॉर्मेट है, सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3। जैसे बोर्ड एग्जाम में तुम्हें सेट्स मिलते हैं ना, उस सेट के फॉर्मेट में हम अलग अलग पेपर्स में देंगे। देखो जैसे सेट नंबर 1 यहाँ पर है तो अलग पेपर, जैसे क्या है देखो, ये तुम्हारा पूरा पूरी फाइल है। अब ये तुम्हारी पूरी फाइल है, ये तुम्हारी पूरी फाइल है, इस सैंपल पेपर पूरी फाइल है, ये जो तुम्हें दिख रही है, इसके अंदर तुम्हें ये सैंपल पेपर वाली बुक मिलेगी। इस फाइल के अंदर ये बुक मिलेगी जिसमें 7 सैंपल पेपर, इसके अलावा तुम्हें क्या क्या मिलेगा। अब देखो अब इसमें 3 सेट मिलेंगे, अलग 3 सेट मिलेंगे 1, 2, 3 फाइल के अंदर, कॉपी के अलावा 3 सेट मिलेंगे। अभी खोलूंगा मैं तो बिखर जाएगा सब कुछ, ठीक है ना, तो इसको मैं खोलूंगा तो बिखर जाएगा। अब इसमें 3 सेट मिलेंगे, सेट नंबर, और उसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें OMR वाली कॉपी मिलेगी। OMR वाली कॉपी जो नहीं, जिसमें नाम भरा था ऐसे ऐसे करके ABCD लेटर पे, OMR वाली जो बोर्ड में कॉपी मिलती है वो कॉपी भी तुम्हें इसके साथ मिल जाएगी। मतलब 3 कॉपी, 3 सेट और एक सैंपल पेपर वाली बुक, वो भी तुम्हें मिलेगी, बुक भी तुम्हें साथ में मिल जाएगी। ये बुक भी साथ में मिलेगी भाई, गारंटी ऐसी प्राइस में दूंगा कोई नहीं देने वाला, मैं तो बता रहा हूँ, ठीक है। ये बुक भी तुम्हें साथ में मिल जाएगी। उसके बाद देखो बुकलेट नंबर 1, बुकलेट नंबर 2 और बुकलेट नंबर 3, ये OMR शीट वाली बुकलेट है भाई, नॉर्मल बुकलेट नहीं, OMR शीट वाली जो बोर्ड एग्जाम में आता है वो बुकलेट। इसको लगाने के बाद ना भाई बोर्ड एग्जाम बिल्कुल तुम टॉपर बन जाओ, गारंटी। और वही सेट्स वाले सैंपल पेपर, ये गारंटी के साथ बता रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथे पे। अब चौथा तुम्हारा क्या, मार्क्स ब्रेकडाउन टेबल। अब बच्चा क्या करता है, जैसे 5 नंबर का जब केस बेस्ड क्वेश्चन बनता है ना, तो बच्चा क्या करता है उसमें 5 नंबर का केस बेस्ड, अब उसको पता नहीं उसको कितना लिखना रहता है, जब जैसे कोई 5 नंबर का क्वेश्चन, अब उसको पता नहीं कितना लिखना रखा, उसने क्या किया 3 नंबर का लिख दिया, और उसको लगता है कि भैया हमने 5 नंबर, अब टीचर क्या करता है वहीं पर नंबर का, बच्चे को लगता है हमने तो सॉल्व कर दिया एग्जाम में, और टीचर देखता 3 ही नंबर का लिखा हुआ, बच्चे को कैसे पता चलेगा 5 नंबर के आंसर में कितना लिखना है। तो उसके लिए हमने मार्क्स ब्रेकडाउन चार्ट बना दिया, इसके सॉल्यूशन तो दे ही दिए साथ में मार्क्स ब्रेकडाउन चार्ट। जैसे तुमने देखो कोई मैथ का क्वेश्चन आया, उसमें हमने बता दिया सॉल्यूशन के बाद कि अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला के आधे नंबर मिलेंगे, उसके बाद क्या है कैलकुलेट लेंथ कैलकुलेट करने के उसके और आधे नंबर मिल जाएंगे, उसके बाद हमने फिर बताया कि अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला के इस क्वेश्चन में आधे नंबर और मिलेंगे, उसके बाद क्या फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ जेड करने के आधे नंबर और मिलेंगे, और उसके बाद तुम्हारा क्या डिस्टेंस इक्वेट करने के तुम्हें एक नंबर मिल जाएंगे, और तुम्हारा क्या कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट फाइंड करके लिखने के तुम्हें एक नंबर, टोटल मिलाकर तुम्हें 4 नंबर मिल जाएंगे। अब बच्चा क्या करेगा फॉर्मूला, ये जो तुम्हारा मार्क्स ब्रेकडाउन, CBSE वालों का मार्क्स ब्रेकडाउन है, मतलब इसको तुम गलत नहीं ठहरा सकते, मतलब इसमें तुम्हें फॉर्मूला भी देखना पड़ेगा सब कुछ, इसको देख कर तुम सीख पाओगे कि बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर कैसे कैसे लाने। ये बोर्ड एग्जाम में सारे बच्चे पूरे नंबर नहीं ला पाते, वही ला पाते जो एकदम बिल्कुल बहुत चालाक बच्चे रहते हैं वही ला पाते। तो ये मार्क्स ब्रेकडाउन भाई, ये तुम्हारी एकदम बिल्कुल बहुत मेहनत लगाई है हमने इसमें, इसको अगर तुम लगा लो बिल्कुल तुम टॉपर बन जाओगे। इसका फोर्थ एडवांटेज है, ठीक है, फोर्थ एडवांटेज सैंपल का, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा कुछ भी नहीं पढ़ा, बच्चा भूल गया चैप्टर को, अब उसको रिवाइज करने के लिए हमने चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीज, वो हर चैप्टर का रिवीजन मैप डाल रखा है। जैसे देखो सबसे रियल नंबर √3 प्रूविंग हमेशा आती है, वो हमने डाल रखा प्रूविंग के साथ, बच्चा एग्जाम में भी जाकर पढ़ ले तो उसको आ जाए। उसके बाद SCF कैसे निकलता है वो डाल रखा, LCM कैसे निकलता है वो सबसे ज्यादा जो पेपर में आता है, और उसके अलावा तुम्हारा फॉर्मूला खत्म होगा उसके बाद डिटेल में सोल्यूशन मिल जाएंगे बुकलेट में डिटेल में सोल्यूशन मिल जाएंगे कि तुम्हें दिक्कत ना हो। तुम जीरो एवरेज बच्चे भी हो तो सोल्यूशन देखकर तुम CBSE वाले सोल्यूशन लगा लोगे, अब बिल्कुल वही क्वेश्चन पेपर में आएगा तुम लिख के चलेगा, तो बिल्कुल तुम टॉप कर जाओगे, कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा, ये सिक्स एडवांटेज है। और इसके बाद ना भाई तुम्हें को रोक नहीं पाएगा जितनी प्रॉब्लम है, इसके बाद जितनी प्रॉब्लम है इस सैंपल को लगाने के बाद तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन खत्म, 25 रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन खत्म, केस बेस्ड खत्म, MCQ खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा भाई, बिल्कुल तुम टॉपर बन। अब ये जो सैंपल पेपर है ना यार, ये तुम्हारे सारे बिग प्रॉब्लम्स का एक सिंगल सोल्यूशन है। अगर किसी बच्चे ने इसको लगा लिया ना भाई, जिस सब्जेक्ट में लगा लिया उसके 100% कन्फर्म है, कोई रोक नहीं सकता। पर भाई तुम्हारे सिर्फ मैथ में 100% लाने से नहीं चलेगा, सारे सब्जेक्ट में लाने पड़ेंगे तुम्हें 100%, सारे सब्जेक्ट में प्रॉब्लम्स आती है। जैसे तुम्हारे साइंस, जैसे तुम्हारे मैथ, साइंस, SST और इंग्लिश चारों सब्जेक्ट में तुम्हारे 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद तुम्हारे 25% रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन साइंस में भी आते हैं, SST में भी आते हैं, मैथ्स में भी आते हैं, उसके अलावा केस बेस्ड क्वेश्चन भी सब में आते हैं, इंग्लिश में भी, और तुम्हारा उसके बाद MCQ जो तुम्हारी है वो भी तुम्हारी सारी में आती है, मैथ, साइंस, SST सब में आती है। इसलिए एडूकार्ट ने क्या कर रखा तुम्हारे लिए सारे सब्जेक्ट के लिए तुम्हारे सैंपल पेपर निकाल दिया। और ये जो सैंपल पेपर भाई स्ट्रिक्टली 100% बेस्ड ऑफिशियल सैंपल पेपर, जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पर 100% बेस्ड है, मतलब कि अगर तुम इसको लगा लोगे ना भाई तुम्हारे मार्क्स गारंटी से, अगर लेटेस्ट पैटर्न तुम लगाओगे ना गारंटी 10 गुना तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो एडूकार्ट ने क्या निकाल रखा मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, 98 तो गारंटी है। उसके बाद तुमने एडूकार्ट ने निकाल रखा साइंस का निकाल रखा सैंपल पेपर, मैथ स्टैंडर्ड बेसिक का निकाल रखा, ये स्टैंडर्ड वाला ब्लू वाला, ठीक है, स्टैंडर्ड वाला मैथ्स का, उसका तुम्हारे इंग्लिश का निकाल रखा और सोशल साइंस का निकाल, ये चार सब्जेक्ट में एडूकार्ट ने सैंपल पेपर निकाल रखे। इन चारों सब्जेक्ट का हमने क्या करेगा एक बंडल बना रखा, ये तुम्हारा मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश का, ये जो चारों सब्जेक्ट मैंने तुम्हें दिखाया साइंस, मैथ, इंग्लिश और SST का, चारों का एक बड़ा बंडल बना रखा, ये वाला बंडल। इस बंडल को इस बच्चे ने लगा लिया ना भाई, उसका बोर्ड एग्जाम मेरा 100% लाना पक्का, 98 मिनिमम आने वाले, 98 तो मिनिमम आने। मैंने तुम्हें बोला था यार मैं तुम्हें एकदम सस्ती से सस्ती प्राइस में दूंगा, अगर तुम एक सिंगल सैंपल पेपर लेते हो, अगर तुम Amazon पे लोगे भाई, अभी पूरे YouTube पर तुम्हें कोई इसमें डिस्काउंट नहीं दे पाएगा प्रेम भैया के अलावा, मैं तो
गारंटी दे रहा हूं मेरे वाला कोई डिस्काउंट नहीं दे पाएगा। अमेजोन से अगर तुम लोगे भाई तो ये जो सिंगल सैंपल है, एक सिर्फ सिंगल सैंपल है, ये तुम्हें 449 रुपीज में मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर तुम मेरे लिंक से लोगे, प्रेम भैया के लिंक से लोगे, क्योंकि भाई मेरा एडुकार्ट से कोलाब है, तो लिंक जो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें दूंगा, मेरा जो खुद का लिंक है, वहां से अगर तुम अमेजोन से लोगे तो भाई तुम्हें 449 में, ये वाले जो बुक्स है तुम्हें 386 रुपीज से मिलेगी, सिर्फ 386 रुपीज पर सब्जेक्ट मिलेगी। हर एक बच्चा ना भाई, हर एक बच्चा जो मैथ में कमजोर है, साइंस में, इसको अफोर्ड कर सकता है, इसको अफोर्ड कर सका हर एक बच्चा। तो लिंक इसका तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जल्दी जाकर इसको ले सकते हो। पर मैं तुम्हें एक और बात बोल दूंगा यार, कि एक सब्जेक्ट में टॉप करना तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुम्हें सारे सब्जेक्ट में टॉप करना, इसीलिए हमने ये बंडल ही निकाला। मैं नहीं चाहूंगा यार कि तुम एक सब्जेक्ट में लो, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा। अगर तुम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं एक मैथ्स ले सकता हूं, एक साइंस ले सकता, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हो भाई, तो भाई तुम ये पूरा बंडल नहीं, ये बंडल हमने निकाला कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में ना 99% आ जाए और तुम्हारी फोटो पेपर में छप जाए। और ये जो बंडल हमने निकाला ना, ये 1800 रुपीज का बंडल है। पर अगर तुम मेरे भैया वाले, अगर तुम अपने भैया वाले लिंक से लोगे जिसमें तुम्हारी फोटो बनी, मेरी फोटो बनी होगी, और लिंक जो डिस्क्रिप्शन मैंने तुम्हें दे रखा, ये डिस्क्रिप्शन मैंने तुम्हें अपना लिंक दे रखा, वहां से अगर तुम लोगे तो उस लिंक से अगर लेने पर तुम्हें ये वाले जो बंडल है, ये 1800 रुपीज नहीं मिल रहा है, लेकर तुम्हें 1445 रुपीज मिलेगा, जो कोई ऑफर अभी नहीं करेगा, कोई ये इस प्राइस में ना भाई को दे नहीं सकता, इस बात की गारंटी। और ये जो 1400 रुपीज है, अभी भी तुम बोलोगे भाई ये ज्यादा है, जब तुम्हारे पेपर, जब तुम्हारी फोटो पेपर में छपेगी ना भाई, और जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए प्राउड फील करेंगे, पड़ोसियों में जाकर मिठाइयां बांटेंगे, तो भाई उसके सामने में कुछ नहीं। और हमने जो मेहनत कर रखी है ना भाई, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम इसको प्रिंटिंग कॉस्ट पे दे रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, प्रिंटिंग कॉस्ट है थोड़ा सा, मतलब प्रिंटिंग कॉस्ट पे हम इसको दे रहे हैं। हमारा यहाँ पर अर्निंग का पर्सपेक्टिव नहीं, हमारा ये पर्सपेक्टिव है तुम जाकर बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल टॉप कर जाओ, वो पर्सपेक्टिव है हमने इसीलिए बनाया। सीबीएसई ने सैंपल लॉन्च किया था और हमारा पर्सपेक्टिव वही था कि तुम्हारे पेरेंट्स की आंखों में वो खुशी मिले, वो जो तुम्हारा पेपर में जो फोटो छपे, तुम्हारे 99% जब आए, जब तुम्हारे पेपर में फोटो छपे, तो वो जो खुशी मिलेगी ना भाई, वो अलग ही खुशी होगी। मैं तो वो क्लियर कर दे रहा हूं। तो ये मैथ्स वाली तुम सिंगल भी ले सकते हो, साइंस की ले सकते हो। मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा, तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा, तुम सिंगल मत लेना भाई, प्लीज। तुम लेना तो चारों सब्जेक्ट लेना, ये जो पूरा बंडल है, इसमें तुम्हारा मैथ्स, साइंस, रीजनिंग सब तुम्हें मिल जाएगा, इससे 1445 रुपीज में मिल जाएगा। दो बच्चे भी लेकर, दो स्टूडेंट साथ में मिलकर भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन भाई अगर तुमने इसको लगा लिया ना भाई, मेरी इस बात की गारंटी भाई, 100% नहीं आया ना, तो तुम मेरे को बताना। और तुम्हारी पेपर जब फोटो में, तुम्हारी जब फोटो पेपर में छपेगी ना, न्यूज़पेपर में जब तुम्हारी फोटो, तुम्हारे पेरेंट्स के खुशी में, नजरों में जो खुशी, प्राउड फील होगा, वो जो खुशी है ना भाई, इस अमाउंट के सामने कुछ भी नहीं है। तो हमारा वो पर्सपेक्टिव बनाने का, इसको मैंने बहुत मेहनत करी है भाई, मैं एंड तक बोर्ड एग्जाम तक तुम्हारे साथ रहूंगा, इस बात की गारंटी है। पर ये सैंपल पेपर यार तुम ले लेना यार, इस सैंपल को तुम लेना, इसको तो मिस मत करना। कारण मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि हमने एडुकार्ट के साथ मिलकर इसको सिर्फ 1000 स्टॉक प्रिंट किया, सिर्फ 1000 स्टॉक इसके प्रिंट किया, हमें पता नहीं कितना सेल होगा, क्या होगा नहीं पता, उसके बाद हम प्रिंट करेंगे। क्योंकि भाई मार्केट में ना अभी ऐसी सैंपल अवेलेबल ही नहीं, अगर तुम कंपेरिजन करोगे तो ये जो सैंपल तुम्हें सारी चीजें मिल रही, तुम्हें जो भी तुम्हारा लेटेस्ट पैटर्न है, 100% उसके बाद तुम्हारे रियल लाइफ बेस्ट क्वेश्चन, ये जो सैंपल ऑफर करना मार्केट में, अदर पब्लिशर कोई भी तुम्हें ये सारी चीजें ऑफर नहीं कर रहा है। इसलिए हमने सिर्फ एडुकार्ट के साथ मिलकर सिर्फ 1000 पीसेस प्रिंट किया भाई, ये 1000 पीसेस मतलब इस बंडल, ये जो बंडल है 1000 बंडल हमने प्रिंट किया भाई, गारंटी मैं तुम्हें दे रहा हूं। इसके बाद अगर ये जो 1000 बंडल है, ये वीडियो 50,000 बच्चे देखेंगे, हो सकता है 60,000 बच्चे देखेंगे, उतने बच्चे देखने के बाद ये आउट 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा भाई, ये बंडल खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा, ये बंडल बिक जाएगा, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा, हमने पहले भी दे रखा, सेल कर रखा, और उसके बाद ना भाई आउट ऑफ स्टॉक प्रिंट करने में बहुत टाइम लग जाता है। प्रिंट होगा कि नहीं मेरी गारंटी नहीं, अभी हमने प्रिंट कर रखा भाई। तो मैं चाहूंगा यार, अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो, मैं चाहूंगा यार तुम इसको जल्दी जल्दी जाकर लो, सिर्फ 1000 स्टॉक है इस बंडल के, सिर्फ 1000 स्टॉक हमारे पास, 2-3 दिन में गारंटी और ये खत्म हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता यार, मैं सच में नहीं चाहता कि तुम मेरा बच्चा करना इस बंडल को मिस करो, क्योंकि भाई मैं खुद बाद में अगर ये आउट ऑफ स्टॉक मिलेगा ना अमेज़न पे, तो मैं खुद इसको तुम्हें नहीं दे पाऊंगा, मैं खुद इसको प्रिंट नहीं कर पाऊंगा। ये जो चीज है ना भाई, ये तुम्हें 100% आराम से बोर्ड एग्जाम में दिलवाएगी, ये जो बंडल है ना भाई 100% तुम्हें गारंटी के साथ तुम्हें बोर्ड एग्जाम में दिलवाऊंगा। मैं तो झूठ नहीं बोला, ये 1800 नहीं लेंगे। अगर तुम मेरे लिंक से लोगे, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर मेरी फोटो मिलेगी, तुम्हारे भैया की फोटो ऊपर मिलेगी, लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन, उस लिंक से अगर तुम लोगे 1445 रुपए तुम्हें मिलेगा। जल्दी से जाकर बुक कर लेना यार, जल्दी जाकर तुम इसको ऑर्डर कर लेना। अगर तुम्हें ऑर्डर नहीं करूंगा भाई, 2-3 दिन में आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। मैं तो झूठ नहीं बोला, सारे बंडल्स बिक जाएंगे, ये सिर्फ 1445 रुपीज सिर्फ मेरे लिंक पे ये मिलेगा। बहुत मेहनत लगी यार इसको बनाने में, इसको अगर तुमने लगा लिया भाई लेटेस्ट पैटर्न, 10 गुना तुम्हारे नंबर बढ़ेगा। तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा ना भाई, पूरे का पूरे नंबर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम है, उस परस्पेक्टिव से बनाया, तुम्हारे पेरेंट्स की खुशी के सामने कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो ऐसा ना यार, ऐसा ना हो यार कि देर हो जाए, सिर्फ 2-3 दिन में ये पूरा सेल हो जाएगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये पूरा 1000 स्टॉक हमारे पास, उससे बाद हमारे पास स्टॉक आने में बहुत टाइम लगेगा, हो सकता ना आए। तो ये सिर्फ 1000 स्टॉक, देर ना हो भाई, तुम जल्दी जाकर ऑर्डर कर लो, ऐसा ना हो ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। तो लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में, तुम्हारे भैया का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुम जल्दी जाकर इसको ऑर्डर कर लो, इससे पहले आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में।